Good afternoon, teachers and my dear friends. A very warm welcome to all of you present over here. As you all know that we all have studied about different popular methods of decorating cloth in different states. For example, karamkari, embroidery, pulkari, tie and dye, etc. So today we will also learn how to decorate the cloth. So let's welcome Almanali ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, beta. Yes, Manali madam. गुड आफ्टरनून एवरीवन. अभी आपको पता चला क्लॉथ पेंटिंग, अभी क्लॉथ पेंटिंग कितने टाइप्स के रहते हैं वो हमने चैतन्य ने बता दिया. ओके, तो उसमें अभी एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी भी रहती है, तो वो कैसे करते हैं, थ्रेड से करते हैं. ओके, अभी एक क्लॉथ पेंटिंग जो है वो हम कपड़े पे वो करने वाले, तो उसपे क्या करना चाहिए, कौन से कलर यूज करना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताती हूँ. ओके, तो वेट का अभी क्लॉथ पेंटिंग के लिए अभी ये एक्रेलिक कलर है, दूसरा फैब्रिक कलर भी होता है, एक्रेलिक कलर भी होता है. तो ज्यादातर फैब्रिक कलर जो है वो क्लॉथ में ज्यादातर यूज करते हैं, एक्रेलिक कलर भी यूज करते हैं. लेकिन ये जब यूज करेंगे तभी उसमें पानी यूज नहीं करना है. ओके, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है उसमें, डायरेक्टली ये कलर आपको कपड़े के ऊपर यूज करना है. लेकिन ये सूखने के बाद जब आप पेंटिंग करते हैं उसके ऊपर, जब वो सूख जाएगा तभी उसके बाद उल्टा रख के उसके ऊपर प्रेस कर दे, फिर वो कलर ज्यादा फिक्स होता है. ओके, तो कपड़े के ऊपर जब हम पेंटिंग करेंगे तभी कोई भी एक पैड ले सकते हैं आप लोग, राइटिंग पैड, और उसके ऊपर न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं. क्लॉथ को एकदम टाइटली ऐसे रखना है. See, first Manali ma'am will show you how to do, then you have to do practical also. Okay, now don't do, when she will show practical afterwards you have to do. Okay children, just listen to the instructions very carefully what she is saying, then afterwards we will give you time to do that. Okay, it's okay, just show me thumb. Okay, abhi iske upar aap logo ko सिंपल कैसे करना है वो बताती हूँ. तो प्लेन पेपर अगर कपड़ा है इसके ऊपर पहले ड्रॉ करना है आपको, क्या करना है वो तो मैं यहाँ पे एक फ्लावर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. इसको कलर कैसे करना है, अभी व्हाइट कलर सबके इसमें आना चाहिए. पहले क्या करना है, व्हाइट कलर से आपको एक पेटल को कलर करना है. ये कंप्लीट होने के बाद तुरंत दूसरा कलर लेना है, जो कलर से आपको शेड करना है ना, वो शेड से कलर से आपको नीचे से एक साइड से ही देना है. फिर उसको वॉश करके को ऐसे मर्ज करना है, स्प्रेड. वापस दूसरे पेटल को सेम व्हाइट कलर पहले प्लेन करो.
फिर कोई भी डार्क कलर आप जो भी लेंगे वो वहां पे नीचे के साइड से देखे ऊपर के साइड पर मर्ज करना है। ये कलर जब गीला रहता है ना तभी ये दूसरा कलर उसके ऊपर आएगा, नहीं तो वो स्प्रेड नहीं होगा। अगर एक बार वो सूख गया तो वो मर्ज नहीं होगा। इसमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ये पेटल्स पूरे कंप्लीट होने के बाद पास में बीच वाला सेंटर है ना वहां पे आप लोग येलो कलर दे सकते हैं, नहीं तो डार्क ब्राउन कलर दिया तो भी चलेगा। उसके लिए एकदम छोटा ब्रश यूज करना है। ओके, वन नंबर टू नंबर रहेगा। अभी पेटल्स के लिए आपको ग्रीन कलर यूज करना है, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन। तो यहाँ पे पहले मैं लाइट ग्रीन देती हूँ। लाइट ग्रीन देने के बाद तुरंत डार्क ग्रीन लेना है और एक साइड से उसको सिर्फ शेड करना है। कोई भी शेडिंग करते समय पहले लाइट कलर देना है फिर डार्क कलर देना। अभी एक एम मेथड हो गया, अभी दूसरा मैं बताती हूँ। ये ऐसे ड्रॉ करके भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग कोई भी पेपर ले लो, उसके ऊपर आपको फ्लावर या कुछ भी ड्रॉ करना है तो उसके ऊपर पहले ड्रॉ करेंगे ना तभी गैप रखना है। अभी समझो ये मैं पेटल्स ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन पेटल्स के यहाँ पे ऐसे गैप रखूं क्योंकि इसको हमको कट करना है। तो कट करने के बाद वो टेंसिल जैसे दिखना चाहिए, इसलिए ये हर पैटर्न पे
ऐसे गैप रहेगा, फिर यहाँ पे यहाँ से आपको कटर से कट करना है, इस तरह से वो बनेगा ऐसे। ओके, ये रोज है और उसके ये पेटल्स है। ओके, अभी इसको क्या करना है, कपड़े के ऊपर ऐसे रखना है। ओके, अभी ये बीच वाला जो पोर्शन है ये रोज वाला है ना, तो वहां पे आपको कोई भी एक कलर फिल करना। अगर आपका कपड़ा डार्क है तो आप लाइट कलर का यूज कर सकते हैं, अगर लाइट कपड़ा है तो डार्क कलर का यूज कर सकते हैं, लेकिन कलरिंग करेंगे तो एकदम फिनिशिंग वर्क अच्छे से आना चाहिए। कॉर्नर पोर्शन पहले देना है, उसके लिए आपको पॉइंटेड ब्रश यूज करना पड़ेगा। इसमें आप कोई भी डिजाइन यूज कर सकते, रोज ही ड्रॉ करना ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी डिजाइन आप ड्रॉ करके, लेकिन डिजाइन जो ड्रॉ करोगे आप लोग उसमें गैप रहना चाहिए, क्योंकि ये पेंसिल बना रहे हैं हम लोग, तो उसमें गैप रहेंगे तो ही आप लोग उसको कट कर सकते प्रॉपर। फिर बाद में ये लीफ जो पोर्शन है वो वहां पे हमको ग्रीन कलर देना है। बेंच मोस्टो पेंसिल की यूज करते हैं कि आपको अगर सेम डिजाइन चाहिए सब जगह, तो वही पेंसिल आप अलग जगह पे भी रख के ड्रॉ कर सकते, वो कलर कर सकते, तब सब जगह सेम डिजाइन आएगा। अभी एक क्लिप मैंने लाइट कलर का दिखा, एक कलर डार्क कलर का है। ये पूरा कलर होने के बाद उसको धीरे से ऊपर उठाना है, जो टेंसिल हमने यूज किया है वैसे, तो
तो इस तरह का ये आपका एक क्लॉथ पेंटिंग अच्छे से बन जाएगा। अगर आपको ड्रेस के ऊपर ऐसे करना है तो आपको दूसरी जगह भी सेम नीचे भी ऐसे रख के सेम ऐसे कॉपी कर सकते हो, मतलब एक लॉट में आएगा। साड़ी डिजाइन भी हो सकती है, ड्रेस डिजाइन भी हो सकती है। ओके, ये एक मेथड हो गया। और दूसरा एक बताती मैं, एक मिनट। अभी ये रिंग भी रहती है, वहां पे भी आप लोग ये जो क्लॉथ है वो टाइट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक कार्टून ड्रॉ करके लिया है, तो वो कलर कैसे करना है मैं बताती हूँ। अभी यहाँ पे कार्टून के यहाँ पे ब्लैक कलर रहेगा ऊपर के साइड पे, कलर फिल करते समय पहले बॉर्डर पे देना है जो आपने ड्रॉ किया, वो पहले बॉर्डर करो। फिर अंदर कलर फिल कर। जो भी आप लोग ड्राइंग करेंगे उसको पहले अच्छे से बॉर्डर करके लो। इसमें पानी बिल्कुल भी यूज मत करो। अगर पानी आप यूज करेंगे तो वो धोने के बाद पूरा कलर निकल जाएगा वापस। कोई टी शर्ट या ड्रेस के ऊपर अगर आपको करना है डिजाइन तो पहले उसको दो टू थ्री टाइम्स तो उसको वॉश करना है उस कपड़े को, उसके बाद उसके ऊपर पेंटिंग करना है। और पूरा सूख जाने के बाद उसको उल्टा रख के फिर उसके ऊपर प्रेस करना है।
Yes, everyone watch carefully. Huh? First see, then do. पहले ये बॉर्डर करके फिर उसके अंदर फिल करना है, ओके? ऐसे और एक ही एंगल से ब्रश को ये करना है, यूज करना है, ऐसे नहीं कि ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी यूज नहीं करता उसको। ओके उसके बाद यहाँ पे स्किन कलर, यहाँ पे व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, यहाँ पे रेड कलर, यहाँ पे शूज आपको जो कलर के दिखते हैं ना, अभी ये येलो कलर का कपड़ा है तो यहाँ पे मैं अलग कलर दिखाऊंगी। फिर हाथ के लिए व्हाइट कलर यूज करके फिर आपको ये पूरा फिल करना है। तो ये कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको, तब तक आप लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस पहले आपको एक पीपीटी देखना है, आप किस टाइप से पेंटिंग कर सकते, इसके ऊपर कर सकते, ये आपको पीपीटी में आपको दिखाती हूँ। एक तो आप हैंकरचिप रहता है उसके ऊपर भी पेंटिंग कर सकते हैं, ऐसे बॉर्डर में कुछ भी फ्लावर्स या लाइंस कुछ भी यूज करके इस तरह से हैंकरचिप के ऊपर डिजाइन पेंटिंग कर सकते हैं। या अभी मैंने पहले आपको दिखाया टेंसिल, टेंसिल यूज करके कैसे करना है पेंटिंग, तो कुशन कवर रहता है उसके ऊपर ये ऐसे यूज करके आप लोग पेंटिंग कर सकते। ये देखो पहले टेंसिल जो दिखाया, अभी ये बेडशीट वगैरह रहते हैं तो सेम डिजाइन आने के लिए ये टेंसिल का यूज किया जाता है, तो अलग अलग जगह पे रख के ये आप लोगों को ये ऐसे पेंटिंग कर सकते हैं। आप कुशन के ऊपर भी वैसे ही कर सकते हैं। उसके बाद स्कर्ट रहता है बच्चों का, उसके ऊपर आप कोई भी बर्ड्स, उसके लिए भी आप लोग टेंसिल वगैरह यूज कर सकते हैं। ड्रेस रहता है, प्लेन ड्रेस रहता है, तो उसके ऊपर अगर डिजाइन करेंगे पेंटिंग करेंगे तो भी अच्छा दिखेगा, ऐसे भी पेंटिंग कर सकते हैं। टी शर्ट रहता है तो टी शर्ट के ऊपर भी ऐसे पेंटिंग कर सकते हैं, बटरफ्लाईज, पीकॉक, जो आपको अच्छा लगता है वो ड्रॉ करना है, फिर उसके ऊपर कलर करना। लेकिन पेंटिंग करेंगे तभी उसको पहले 2-3 टाइम्स वॉश करना है, उसके बाद ही उसके ऊपर पेंटिंग करना है। वॉर्ली पेंटिंग रहती है, वैसे भी आप लोग पेंटिंग कर सकते हैं। ये मास्क है, अगर प्लेन मास्क लेंगे तो उसके ऊपर भी आप लोग छोटे छोटे लीव्स या फ्लावर्स ड्रॉ करके उसको कलर करके पेंटिंग कर सकते। थैंक यू। फ्लावर के बीच में ब्राउन कलर देना है कि और दूसरा कलर देना है?
हमको फ्लावर के बीच में ब्राउन कलर, ब्राउन अगर फ्लावर मेरा लाइट कलर का है, अगर डार्क कलर का फ्लावर है तो येलो कलर भी दे सकता है। ओके ओके मैम, I have completed one flower. चैतन्य, यस चैतन्य, नाइस, गुड चैतन्य। मैं दीवार के ब्रांच। चैतन्य वन मैडम। यस मैम। मैम आपको वाइट किस डॉन इटली। चैतन्य कहा है? मिताली, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैम सी माय पेंटिंग। चैतन्य वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस। लेकिशा, लेकिशा वो वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन जो तूने कलर किया ना, व्हाइट कलर और रेड और ग्रीन, वो मर्ज नहीं हुआ है, मर्ज होना चाहिए। ओके यस मैम। मैंने पहले दिखाया व्हाइट कलर, फिर थोड़ा सा ये जो रेड या पर्पल करते ना, थोड़ा सा ही लेना है, फिर वो मर्ज होता है अच्छे से। यस मैम। स्मरण मैम, ओम What about others? Wow, Om Bhair, Om Bhair. One minute, Chitra madam, please see Om voice. Hi, Chitra. Wow. Very nice, very nice. Ma'am, see my Om. My means? Om Matre. Acha, Om Matre. Wait, na, Om Matre, where are you? One minute. Om Matre, Om Matre. Ah, Om. Wow, Om is also very nice. Chitra madam, please see Om. Good, good. Very butterfly. Nice. Butterfly, no? Very nice. Good. Man, Smaran. Smaran. स्मरण का क्या करने का? I'm adding another drawing. You bring? From where you brought? Ma'am, my mom give my second hand cutting. Ma'am. आराध्य जाधव also very nice. You make chocolate लड्डू? Chocolate लड्डू not brought materials? Ma'am. See. Nitya. Ah, Nitya. Okay, Nitya, yes. Baba. Sab log artist ho, Baba. Wow, beautiful. Nitya, very nice, Nitya. All are artists. Thank you, ma'am. एक मिनट। आदर्श, यू हैव कंप्लीटेड? आदर्श, आदर्श इज वेरी बिजी। वाव। यस मैम। लाइक दिस। मिताली विषय, वेर आर यू मिताली विषय? माय डन। Yes, Mitali, ma'am. Where are you? Mitali. Rajeshri ma'am is saying, ha, Mitali, she is.
Itali Vishay has also done very nice. Now you have done, beta? Yes, ma'am. So, show again. Ma'am, I leave the meeting. Huh? My daughter, are you? What? Ma'am, I don't know if you to meet me. Ah, yes, yes, yes. You can turn. Yes. Ma'am, I done. Where is it? If you go there, then I will take it. Ma'am, I done. Ma'am is also busy in doing some other color work, so that's why we have to wait for 5 minutes. But the Mickey Mouse is complete, ho raha hai, so we have to wait for 2-3 more minutes. Now you have done. Thank you. So third ABC, you people are great artists. Full loon. Yes, Aradha. Yes, yes, yes. Aradha Jada, yes, done. Pihu. Yes, Nitya Singh, very good. Fast? These people are doing so fast, Mom. Darshit, what you're doing? Komal Nimse, show yours. Komal, ha, Komal. Komal beta? Chala. Okay. Then me tula dusra. Nahi dakho to. Mam Simai. I'm complete. Om boy. Wow. Ma'am, I come up. Maji, painting. ओके अभी जो स्टार्ट किया था यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर आपको दिखाया था करके तो अभी ये मैंने कंप्लीट किया यहाँ पे आपको स्किन कलर रेड कलर ये सब कलर यूज करके फिर ऐसे दिखेगा लेकिन एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना जो भी कार्टून आप लोग करते हो ड्रॉ करते हो पूरा कलर कंप्लीट जब होगा तभी ब्लैक कलर से उसको एक बार बॉर्डर करना ओके तभी वो आपने जो भी ड्रॉ किया ना वो अच्छे से हाईलाइट होगा ओके यस सो वी विल स्टॉप हियर बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट Yes, Lekisha. And children, listen. You all will complete this work. Cloth painting. Everyone will complete and you will show your teachers in the regular periods. For example, Vandana ma'am, Meena ma'am, Saili ma'am. Samajh mein aa raha hai sabko? You can show your thumb. Yes, show your thumb. Yes, ma'am. Yes, Lekisha. Yes. Thank you, Manali ma'am, for teaching us such a wonderful cloth painting. On behalf of 3rd ABC, I express my heartfelt gratitude for such an informative workshop. I thank each and everyone for spending their precious time and making this session for interactive. Thank you. Thank you, Lekisha. Thank you, beta. Yes, Vandana ma'am, you want to say something or shall I end the meeting?
Yes, Manali ma'am, thank you very much. Excellent workshop it was. Welcome ma'am. ये कितना अच्छे से करके दिखाया, very nice children, great हाँ, all artists, Saili ma'am told no, third ABC all artists, great everyone, clap, pat for everyone, clap everyone for yourself, clap everyone for yourself, very good. Yes, Rajeshri ma'am is also there. Yeah, it's amazing, Chitra ma'am, super, excellent session, thank you, thank you. And my all kids, love you all. Good to see you all after so many days. How are you all? They cannot speak. Wait. 1 minute. Huh. Yes. Yeah, now they can speak. How are you, ma'am? Bye, ma'am. Super job. Amazing. Chitra ma'am has done super job. I'm fine, bachcha. I'm fine. Okay, bye bye. Take care, everyone, and please continue. Please complete your drawing work. I saw you. So I'll end the meeting. Now, show ma'am, to Vandana ma'am those who are in third B. Third B, na? Yes. Third B. Okay, and to Meena ma'am, those who are in third C. Okay, and third A, my class will show to me. Yes. Chalo, bye bye. I have drawn my picture. Bye ma'am. Chalo, abhi, bye.